हमारा YouTube चैनल देसी बॉयज पे ओवर एक्टिंग के 50 रुपए अभी खा लूंगा। तो थोड़ा एक्चुअली डिले हुआ वीडियो बनाने में, उसका जेन्युइन रीजन है। रीजन क्या है गौरव? हम लोग लेट क्यों? हमारा स्टूडियो थोड़ा शिफ्ट हो गया था। हां, शिफ्ट ऐसे होता है, ऐसे पलटना नहीं होता। तो आज कुछ बोलने से पहले, कुछ लाने से पहले, सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि जो डिजीज फैला हुआ है ना कोरोना वायरस का, थोड़ा उससे थोड़ा बच के रहो, थोड़ा जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी आते हैं वीडियो पे, बिकॉज यू आर फैमिली टू आई थॉट क्या आपके साथ मतलब बोलूं कि थोड़ा मतलब बच के रहो करके। बहुत बेकार है। आते हैं आज के टॉपिक पे, आज के ट्रेलर पे, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी के ट्रेलर आज लॉन्च हुआ है, एक्चुअली 2-3 दिन पहले लॉन्च हुआ था। हमें रिक्वेस्ट भी आ रहे थे, राहुल डॉक्टर का रिक्वेस्ट आ रहा था वाइस पे करो, हम देने वाले थे इस पे रिएक्शन, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ उसके लिए। सबसे मैं हमारी टीम की तरफ से सॉरी बोलना चाहता हूँ। आते हैं ट्रेलर पे, उसके बाद डिस्कस करें क्या खास लाया इस बार। उससे पहले गाइस, अगर आपने सोचा होगा कि हम वीडियो नहीं बना रहे तो इनका चैनल अनसब्सक्राइब कर देते, तो वैसी गलती बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने चेक किया है, 200-300 बड़े उल्टा। आते हैं वीडियो पे, उसके बाद बात करेंगे। मुंबई हिंदुस्तान का दिल, और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार से, इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बम ब्लास्ट से, फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट, और 2008 ताज 26/11। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था, और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक योद्धा की। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। I have been shot. हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं। अभी उनका वक्त आया नहीं, जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। में एक टन आरडीएक्स आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत पलटूंगा। मेरे बच्चे, बीवी, अम्मू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जान ले ली, उसका क्या? शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालता। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्योरी शायद सही है, लश्कर का अगला टारगेट मुंबई है। सूर्या, वो लोग कब आएंगे ये मैं नहीं जानता, पर वो आएंगे जरूर। इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को। क्या करे सर, शिवगढ़ चले? ये काम एक ही कमी ना कर सकता है। इधर अलग लेवल का धांधली चल रहा है सर। ये लोग 7 गाड़ी में बॉम्ब फिट किए। जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखाऊंगा मेड इन इंडिया। अच्छा, पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है? तेरे को नहीं मालूम? गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर से क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अभी आज
जानते हैं कौन? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। आया पुलिस 24 मार्च। तो एक्चुअली गाइस ट्रेलर इतना बड़ा कि 4 मिनट 15 सेकंड ट्रेलर, एक्चुअली मैंने इतना बड़ा देखा ट्रेलर अभी, तो इसका एक मेन रीजन है क्योंकि इस मूवी में जो कि 3 एंट्री दिखाया गया, पहले जो दिखाया गया जिस तरीके से अखी पाजी क्योंकि उनका जो जिस तरीके से एंट्री हुआ है, मुझे याद है जो 90s के जो मूवी काम करते थे जो खिलाड़ी खिलाड़ी हो गया, जो मतलब जो कैरेक्टर था खिलाड़ी वाला, उस तरीके से इसमें एंट्री दिखाया गया खतर खिलाड़ी। और जो टॉपिक यहाँ पे लाया हुआ है रोहित शेट्टी ने, काफी मतलब जो रियलिस्टिक लग रहा है। अभी अक्षय कुमार बात करें तो मैंने जो मूवी देखी एज ए पुलिस कैरेक्टर में जो देखा मूवी, राउडी राठौर ले लो या फिर डेवगन जो कैरेक्टर वो ले लो, हॉरिडेक जो कैरेक्टर वो ले लो, जिस तरीके से पुलिस कैरेक्टर निभाते काफी सही लगता है, अप्रिशिएट भी करते लोगों को। तो इस मूवी का जो स्टोरी लिखा हुआ है यूनुस साजवाल ने, और इसका डायलॉग लिखा हुआ है साजिद फराद ने। अब यूनुस साजवाल के बारे में क्या है बताओ, जितनी मूवी काम किए रोहित शेट्टी के साथ, चाहे आप गोलमाल का सीरीज ले लो, चाहे आप बोल बच्चे मूवी ले लो, मतलब सारी मूवी साथ में काम करते और डायलॉग लिखते हैं फरहाद, साजिद फराद डायलॉग एकदम साथ में तीनों टीम वर्क काम करते हैं, जिसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। इस ट्रेलर में ग्रैंड एंट्री 3 हीरो का दिखाया गया, जो कि 3 जो हीरो है बॉलीवुड में, मतलब काफी अच्छे नाम, मतलब अच्छे एक लेवल पे, या तीनों मतलब अपने अपने फिल्म जिस तरीके से कैरेक्टर को निभाते तीनों बेस्ट है। स्पेशली अगर देखना होगा अक्षय कुमार के साथ अजय देवगन और सिम्बा, एक्चुअली जो है ना ये सिंगा के बाद देखना होगा बहुत ही। तो एक्चुअली 2-3 पार्ट है ना जो रणवीर सिंह का, मतलब काइंड ऑफ एक सीरीज टाइप हो गया, लेकिन जो मेन तो इसमें अक्षय पाजी है जो कि सूर्यवंशी कैरेक्टर, मुझे याद है मैंने मूवी देखा था सिम्बा मूवी, तो एंडिंग में सूर्यवंशी का आता है कैरेक्टर की मूवी आने वाला है, तो तभी से मैं बहुत वेट कर रहा था, फाइनली इसका शूट हुआ और आज हमारे सामने जो कैरेक्टर दिया हुआ कैटरीना का, कैटरीना कैरेक्टर भी काफी सेंसिटिव लग रहा है, मतलब काफी सीरियस रोल लग रहा है, वो भी सही है कॉमेडी के लिए, तो अपना रणवीर सिंह है। और मैंने मतलब ये नोटिस किया, मतलब पूरा देखते हुए ट्रेलर जो म्यूजिक अट्रैक्ट कर रहा है, काफी म्यूजिक सही लग रहा है, आया पुलिस करके जो है म्यूजिक सही लग रहा है, जो कि दिया हुआ है तनिष्क बागची ने। तनिष्क बागची क्या पता है, बहुत नोन पर्सन है यार, मतलब सारे जो भी आते हैं मूवी सारे ट्रेंडिंग जो मूवी रहते उन्होंने सॉन्ग दिए। और दोस्तों सिनेमाघरों में तो इस बार विश्व रिकॉर्ड होगा तालियां और सीटियों का। एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मैसेज भी दिया गया है इस मूवी में, जो कि होता है रिलीजन के भेदभाव पर। और एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि जो मुंबई कर रहे, मतलब वी आर फ्रॉम मुंबई ओनली, जो हमारे लिए गुड न्यूज भी, क्योंकि मुंबई की सीएम ने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि मुंबई के थिएटर अब 24/7 चलेंगे, तो कभी भी आप देख सकते इस मूवी को। तो गाइस अगर मैं बात करूं इस ट्रेलर के बारे में तो 5 out of 5, इसमें पूरा एनर्जी जिस तरीके से यूटिलाइज किया रोहित शेट्टी ने, जिस तरीके से एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो गाइस आपको कैसा लगा ट्रेलर हमें बताइए, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है, कैसा लगा हमें सजेस्ट करिए, और नेक्स्ट टॉपिक किसे वर्कआउट करेगी हमें बताइएगा प्लीज। तो अब के लिए बस इतना ही, हमारे नंबर पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम द देसी बॉयज।